नमस्कार प्रिय साथियों, शाम का समय, संध्या काल, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यह टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है और हमारी दिनचर्या में की गई गलतियाँ हमारे कैरियर पर, हमारे व्यापार पर, हमारे जीवन पर बहुत भारी पड़ती हैं। साथियों, शाम के समय में चार काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संध्या काल में, गोधूली काल में, सूर्यास्त के आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, वो टाइम में कुछ गलतियां करता है तो निश्चित रूप से उसे बड़ी बड़ी बीमारियां, धन हानि और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का सामना डेफिनेटली करना पड़ता है। तो कौन से ऐसे चार काम हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, संध्या काल में भूलकर भी लेटना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संध्या काल में लेटे रहते हैं, चारपाई में विश्राम करते रहते हैं, देवी लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली जाती है। या तो पूजा पाठ कीजिए, भजन सुनिए या टहलिए, कुछ भी आप काम में लग रही है, लेकिन संध्या काल में व्यक्ति को चारपाई में नहीं लेटना चाहिए। मदिरा पान यदि आप करते हैं, सिगरेट आप पीते हैं, स्मोकिंग आप करते हैं तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन संध्या काल में कदापि भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बड़ी बड़ी बीमारियों का, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का और धन हानि का सामना आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से 200% संध्या काल में बचें। संध्या काल में संत महात्मा की तरह जीवन जीना चाहिए। और साधारण सी बात है कि स्त्री संग या स्त्री को छूना तो पूरी तरह से वर्जित है। वह टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। साथियों, घर में गाली गलौज करना, टेंशन तनाव का माहौल अगर संध्या काल में बनेगा, शाम के समय बनेगा, जिस समय दिन छिपता है, जिस समय सूर्यास्त होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में हमेशा के लिए अशांति और बड़े भारी दुर्घटनाएँ, इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू होंगी और आपके घर में बहुत बड़े स्तर का वास्तु दोष बन जाएगा। यदि आप एक समझदार व्यापारी हैं, जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो संध्या काल में, शाम के समय इन कामों को करने से आप बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।